इग्नोर द बेस्ट बिहाइंड मी एंड वॉच टुडेज रियली केयरफुल एंड लेट मी टेल यू एन ऑल ऑनस्टी जितना गंदा भी आपको ये कमरा दिख रहा है पी आर पैकेजेस वन लाइट एक्सेट्रा ऑल द थिंग एट यू कैन सी उससे ज्यादा तबाही पीछे के सोफे पे है जिससे मैंने अपनी पोजिशन से ही कवर कर लिया है टुडेज वीडियो इज अबाउट हाउ डू आई डू अयर स्मूदनिंग ट्रीटमेंट एट होम हाउ डू आई डू अयर स्पा एट होम मैंने आपको शेयर किए थे मेरे टॉप फाइव हेयर मास्क यान आईट आस्ट यू गाइस इन दट वीडियो इफ यू वॉन्ट सी हाउ आई डू अर स्पा एट होम सो

यर स्मूदनिंग ट्रीटमेंट एट होम अब अंडरस्टैंड इसके तीन पार्ट है वन इज प्री वॉश दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू डू यानी बाल धोने से पहले आपको क्या करना है बाल धोना बाल धोने के टाइम क्या क्या करना है एंड योर पोस्ट वॉश ट्रीटमेंट सो तीन हिस्से हैं

चार घंटे मैक्सिमम बट आपको अपने बालों को तो ऑयल लगाना है लेकिन स्कैल्प पे चार घंटा आप स्कैल्प एक्सपोलिएटर नहीं लगा सकते हिस्सा हेयर ऑयल ऑफ माई चॉइस मैं यूज कर रही हूँ मदर्स नहीं सॉरी नॉट मदर सीक्रेट मदर सीक्रेट इज एन अचार दिस इज ग्रैंड निधि इज ग्रद्रेट ग्रैंड मदर सीक्रेट ये यूज कर रही हूँ end up finishing it so quickly in fact i think i need to request the brand ke wo mujhe ek canister bhar ke de and shayad wo kar bhi denge it's such a sweet team such a sweet family खैर okay, so i'm going to use this on the length of my hair and then i am going to go ahead and wait for about an hour उसके बाद मैं यूज़ karungi अपना scalp exfoliator so we are going to cover this entire process ye abhi to this is this is an oil which is formulated in coconut oil like extra virgin coconut oil क्योंकि गर्मियाँ हैं ये मेल्ट हो गया है बट अगर सर्दी का टाइम हो देन यू नो हीटेड अप लिटल वैसे भी किसी भी ऑयल को आप थोड़ा सा गर्म करके लगाओगे यू विल गेट बेटर रिजल्ट आई एम लेजी आई डोंट वांट टू गो डाउन तो मैं ऐसे ही लगाऊंगी राइट सो लेट्स गेट स्टार्ट क्योंकि हमारे हेयर एंड्स में कोई ऑयल नहीं होता दे आर यूजली डैमेज यू नीड टू रिलीज सैचुरेट दम वेल विद अ लॉट ऑफ ऑयल एंड टेक टाइम डूइंग इट सो एज यू कैन सी मेरे पूरे बाल ऑयल में सैचुरेटेड हैं लेंथ से लेके बॉटम तक अब यहाँ मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ वाई हैव वी नॉट यूज इन आर स्कैल्प बिकॉज हम एक लिक्विड स्कैल्प एक्सफोलिएटर लगाएंगे अगर मैंने इस पॉइंट पे स्कैल्प पे ऑयल लगा दिया दैट लिक्विड एक्सफोलिएशन विल नॉट पेनेट्रेट रिमेंबर लिक्विड बिफोर ऑयल्स लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दैट आई डू नॉट मसाज और आई डू नॉट ऑयल माई स्कैल्प आई वॉश माई हेर थ्री टाइम्स वीक दिस हेयर स्पाक का थिंग आई लाइक टू डू वंस अ वीक मे बी टू टू थ्री टाइम्स अ मंथ जब बाकी दिनों में मैं अपने बालों को वॉश करती हूँ नंबर वन थिंग मैं बाल वॉश किए बिना बाल ऑयल किए बिना कभी वॉश नहीं करती सो ऑयलिंग माई हेयर इवन इफ इफ आई कैन गेट थर्टी मिनट्स इज अ मस्ट फॉर मी आई विल गंदे रह जाए बाल आई विल मेक अ आई विल नॉट वॉश माई हेयर इफ आई एम नॉट ऑयलिंग माई हेयर सो बाकी जो दो टाइम होते हैं हमें हेयर है स्मूदनिंग करनी है आई विल सी यू इन अबाउट एन आवर उसके बाद हम लगाएंगे अपना स्कैल्प एक्सफोलिएटर है दो घंटे हो गए हैं आई स्टार्टुइंगेट आर स्कै एक्सफोलिएटर स्कैप्पल आप यूज कर सकते हैं इंकलिस्ट का ग्लाइकोलिक एसिड यू नो लिक्विड स्कैल्प स्क्रब अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा ऑयल है यू हैव ऑफ एन फिनिशू यू कैन यूज द सैलिसलिक एसिड स्कैल्प स्क्रब इंडियन ब्रांड्स में आई बिलीव थ्राइव हैज स्कैल्प स्क्रब आप वो यूज कर सकते हैं आई एम फिनिशिंग ऑफ द क्लीन रिंस दिस इज बाई सॉयली इसमें आपको लाइकथिक uh, इसमें आपको सैलिसिक गाइकॉलिक दोनों मिलते हैं सो आई लाइक दिस प्लस इट हैज अ ब्यूटिफुल गोल्डन कलर विच आई एम ऑल्सो काइंड ऑफ आई लाइक इट ये खत्म हो रहा है एंड आएम गोइंग टू रीपर्चेज इट फॉर शो माई इंकी लिस्ट प्रोडक्ट ओवर सो दैट्स वार आई एम गोइंग टू यूज अगर आपके पास कोई भी स्कैल्प स्क्रब नहीं है डू नॉट वरी यू कैन जस्ट यूज अ ग्लाइकॉलिक एसिड टोनर अ सैलिसलिक एसिड टोनर एंड ए एच ए बी एच ए टोनर वट एवर यू वॉन्ट आप उसे यूज़ कर सकते हैं सो इस तरह से अपने स्केल्प स्क्रब को आपको अपने रूट्स में लगाना है एंड स्पेशली यूज इट वे यू टेंट टू गेट अ लॉर्ड ऑफ बिल्डअप सो यू नो हमारे बालों के थ्रू क्रीम मॉइस्चराइजर काफी कुछ यू you नो know, चला जाता है हमारे uh, बालों के थ्रू हमारे स्कैल्प पे सो so, ये जो सामने वाला हिस्सा होता है आई ऑलवेज फील दैट दिस हैज लाइक अ लॉट ऑफ बिल्डअप वेन आर अप्लाइंग थिंग्स टू योर स्कैल्प बहुत केयरफुली सेक्शन आउट करके धीरे धीरे से हर एरिया में बसाज करें एंड डोंट फरगेट द नेप ऑफ योर नेक सो नाओ ए गोनो वेट फॉर अनाथ फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स जस्ट रिमेंबर अगर आपका स्कैप्प स्क्रप थोड़ा सा बालों में भी लग जाता है देर इज नो प्रॉब्लम बट जस्ट में एक शो के आप मसाज करके उसे अच्छे से अपने पूरे स्कैप पर कवर करें पंद्रह मिनट के बाद गोयोना टेक अ शावो अब हमारे लाइक like, मैंने तो दो घंटे ऑयल रखा है बट एक घंटा इज ऑल्सो फाइन स्कैप स्ट्रप को पंद्रह मिनट हो गए नाउ गोनो गोवन फॉर अ शावो शावो में याद रखें दो चीजें नंबर वन ट्राई यूजिंग अ सल्फेट फ्री शैम्पू नॉट जस्ट टुडे एवरी सिंगल डे इट्स जस्ट गुड फॉर यू उसके बाद ये याद रखें कि आपको अपने बालों को दो बार वॉश करना है अगर आपको लगता है थोड़ा सा ऑयल रह गया है बालों में यू कैन इवन वॉश इट थ्राइस वैसे ये वाला जो ऑयल है बहुत आसानी से उतरता है देर इज नो प्रॉब्लम आई एम गोना यूज दिस विश केयर शैम्पू एंड एम गोना वॉश माई है ट्राइस इसके बाद यू आर नॉट गोइंग टू कंडीशन इसके बाद वे गो नॉट डू आर हेयर स्पा पार्ट जहाँ हम क्रीम लगाएंगे अच्छे से सो दैट इज समथिंग आई विल शो यू ऑन कैमरा बट आई एम नॉट टेकिंग द फोन इन टू द शावर एरिया जस्ट लेटिंग यू नो दो बाल बार दो बार बाल वॉश करने हैं अच्छे से स्कैल्प आगे पीछे जस्ट वॉश योर हेयर रियली क्लीन एंड डू नॉट कंडीशन कंडीशन भी हम करेंगे बट लेटर सो नो कंडीशनिंग राइट नाउ यू आर जस्ट गोइंग टू वॉश योर हेयर और राइट गाइज लेट गेट स्टार्टेड अभी हमने बालों को टावल ड्राई किया है हम बालों को डिटेंगल नहीं करेंगे इतने गीले बाल जिन पे कंडीशनर भी नहीं है नाउ यू ट्राई एंड डीटैंगल विद इथ कोम और इवन विद योर हैंड्स यू कॉन हैव ब्रेकेज वी कॉन डायरेक्टली गो इन विद आर मास्क व्हिच इज द फिनो मास्क नाउ अंडरस्टैंड आई मेड अ वीडियो ऑन द टॉप फाइव हेयर मास्क हेयर ट्रीटमेंट्स आप उनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं ऑल ऑफ दैम आ गर्क रीली रीली वेल एंड इंक्लूडिंग विश केयर सो यू कैन यूज दैट इज वेल इफ यूर इन ए नाइस डेवलप ऑफ इट एंड आई एम जस्ट गोइंग टू यू वंस अगैन अपने बालों को जेंटली सेक्शन करके आप अपने हेयर मास्क को लगाएंगे हर एक स्ट्रैंड पे साथ ही साथ की मसाजिंग टू मेक श्योर के आपको हर जगह कवरेज मिले स्कैल्प पर नहीं लगाना है जस्ट फोकस ऑन योर हेयर लेंस एंड इसे अच्छे से मसाज भी करें एंड देन डू द होल प्रोसेस वन टाइम एंड मेक श्योर बालों को जुड़े मैं बाल वी करो वेट फॉर अबाउट टेन मिनट्स दस मिनट हम इसको अपने बालों पर रखेंगे और उसके बाद हम करेंगे स्टीम टेन मिनट यू कैन गो डू नाउ कम्स द पार्ट विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर आज का रूटीन जिसमें हम हाँ अपने बालों को स्टीम करेंगे तो आई हैव दिस काइंड ऑफ अ हैंड हेल्थ स्टीमर दिस इज फ्रोम अ ब्रांड कॉल क्लिक ऑन आई गॉरट ऑफ एमेजन इससे मैं कनेक्ट करूंगी आई हैव एन एक्सटेंशन कॉड हेअर आई एम गो कनेक्ट एंड स्टार्ट स्टीमिंग माई हेयर एंड हम स्टीम लेंगे एटलीस्ट फाइव सेवन मिनट्स तक दस मिनट तक ले सकते हैं दैट्स ऑप्टिमल बहुत गर्मी है ओके स्टीमिंग प्रोसेस इज डन आई थिंक आई डिड अबाउट सेवन मिनट्स जितना वो लास्ट करता है उसके छोटे से कंटेनर में पानी सब डन अबाउट सेवन मिनट्स ऑफ स्टीमिंग नाउ एम गोइंग टू गो रिंस माय हेयर वापस शैम्पू नहीं करना है बट अब बोनस टेप आफ्टर यू रिंस योर हेयर थोड़ा सा कंडीशनर सिर्फ एंड्स पे लगा लेना दैट्स गोइंग टू सील इन ऑल मॉइस्चर उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप्स सो आई एम गोइंग टू क्विकली रिंस ऑल ऑफ दिस आउट एंड बी बैक हेयर वॉश ऑल डन लास्ट दो स्टेप्स हैं बिफोर वी ड्राई आर हेर नंबर वन जो मैं हमेशा करती हूँ एवरी टाइम आई वॉश माई हेयर दैट इज अवन कंडीशनर पहले मैं यूज कर रही थी प्योरोलॉजी का लीवन कंडिशनर विच इज रियली गुड नाउ आई यूजिंग द सोल्डन अगर आपको ये मिल सकता है लिटिल बिट ऑफ स्प्रेट्स एंड आपको ये स्प्रेट्स नॉट स्प्रैट्स आपको ये अपने लेंस पे लगाना है ठीक है जो हिस्से हैं विद आप कोई भी यूज कर सकते हो आई डोंट के जब हम कोई भी हेयर सेरम लगाते हैं हमारे बाल ऑयली हो जाते हैं यू नीड वन पंप फिर उसको अपने हाथों में अच्छे से ऐसे मसाज करें एंड देन जस्ट क्विकली टेक इट लाइक दिस एंड फोकस ऑन योर एंड सीट बिल्कुल आखिर की पूछ होती है इस पे आई एम लाइक ड्यू फोर हेयर कट बट यू गेट द पॉइंट बस इसके बाद उनका ड्राया है नाउ टू शो यू द फाइनल लुक एंड टू शो यू हाउ गुड दिस ट्रीटमेंट इज मैं अपने बालों को स्टाइल नहीं करूँगी मैं सिर्फ एक ब्लो ड्रायर से कोल्ड सेटिंग पे इनको ड्राई आउट करूंगी सो दैट यू कैन एक्चुअली सी द शाइन बिकॉज ऑब्वियसली इफ आई एम गॉल डू माई रोलर्स एंड एम गॉन डू बेबी लेस या डाइसन वट एवर आई चूज ऑब्वियसली इट्स कॉन् लुक मच बेटर मच बेटर दैन वट इट इज़ व आई वॉन्ट यू टू सी द रियल इम्पैक्ट इसलिए मैं सिर्फ इसको अभी I'm just going to use a regular blow dryer on cold setting, not on hot setting, and I'll show you. So guys, this was a quick, easy peasy tutorial on how you can do a hair spa at home. How you can smoothen your hair. As you can see, it is a little time-consuming, but the impact it leaves in on your hair is absolutely beautiful. I highly encourage all of you to try it at least once. And if this does work for you,

हाईली रेकमेंड कि आप इसे करें और अगर आपको लग रहा है कि ओहो, इतने स्टेप्स हैं जितने भी स्टेप्स के बीच में वेटिंग होती है ना जाके कुछ और खत्म काम कर लो लाइक आई एक्चुअली वेंट एंड मेड वन डिश ऑल्सो जब मैंने हेयर ऑयल लगाया था दैट इज वाई माई हेयर ऑयल वॉज ऑन माई हेड फॉर टू आवर्स सो थोड़े थोड़े काम कर लो साथ साथ ये खत्म कर लो इट इज गोइंग टू गिव यू ग्रेट इम्पैक्ट सो गो हेड एंड ट्राई दिस आउट आई एम गोइंग टू लीव अ क्वेश्चन राइट हेर दैट आई वॉन्ट यू टू आंसर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हेल्पफुल लगी डू हिट द सब्सक्राइब बटन आल सी टू मोरो विद अ ब्रांड न्यू वीडियो टिल देन टेक ग्रेट केयर ऑफ योर सेल्फ बाई